हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी वेज बिरयानी की रेसिपी और इसे हम बनाएंगे प्रेशर कुकर में। तो बहुत ही जल्दी बन जाएंगे, इंस्टेंट बन जाता है एंड साथ ही बहुत यम्मी बनती है। सो कीप वॉचिंग। तो प्रेशर कुकर में मैंने लिया है यहाँ पर 1 टेबल स्पून घी। आप ऑयल में भी बना सकते हैं बट बिरयानी के फ्लेवर घी में अच्छा आता है। और इसके ऊपर मैंने डाला 1 टीस्पून जीरा और साथ ही डाला कुछ गरम मसाला, जैसे कि 2 इलायची डाला, 3-4 लौंग डाल दिया, 1 जावित्री और थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा दालचीनी के टुकड़ा, साथ ही डाला 1 तेज़पत्ता। और सारे चीज़ों को कुछ 30 सेकंड के लिए मैंने सौते कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर डाला 1 स्लाइस्ड अनियन। तो मेरे पास बिग साइज़ का अनियन था जिसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। इसको कुछ देर सौते करेंगे, थोड़ा ब्राउन ब्राउन हम सौते कर लेंगे। ये देखिए, जब इस तरह से हो जाए अनियन, तब हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट। तो यहाँ पर कुछ 7-8 गार्लिक और 1 छोटा सा जिंजर का टुकड़ा, 2 ग्रीन चिली को मैंने पेस्ट बना लिया है। अच्छा, स्पून से मेज़र करेंगे तो ये करीब 1.5 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट होगा। इसको कुछ देर मैंने सौते कर लिया ताकि इसका रॉ स्मेल ना रहे। उसके बाद मैंने यहाँ पर ऐड किया है अपना वेजीज। तो आपके पास जो भी वेजिटेबल अवेलेबल है या फिर जो भी आपको पसंद है, आप वो सारे वेजिटेबल यहाँ पर ऐड करें। मैंने यहाँ पर डाला पोटैटो, कैरेट एंड कॉलीफ्लावर और इसको थोड़ा सा इसके साथ मिक्स कर देंगे। देन हम यहाँ पर ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून यहाँ पर डालेंगे हम रेड चिली पाउडर और डालूंगी यहाँ पर 2 टीस्पून धनिया के पाउडर, साथ ही डालूंगी 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। सारे चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, थोड़ी देर इन्हें हम फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए, ये मसाला काफ़ी ड्राई लग रहा है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि मसाला जल ना जाए। बिल्कुल 1/2 कप से भी थोड़ा सा कम मैंने पानी यहाँ पर ऐड किया है। और इन सारे वेजीज़ को यहाँ पर मैं कुक कर लूँगी कुछ 3-4 मिनट के लिए। मैंने इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है मसाला के साथ। उसके बाद हम यहाँ पर ऐड करेंगे टमेटो। तो मैंने 1 बिग साइज़ का टमेटो लिया था जिसको इस तरह से चॉप कर लिया है। और ये देखिए, थोड़े देर उसको भी हम सौते कर लेंगे। और ये देखिए, जब टमेटो इस तरह से गल जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे बाकी के चीज़ें। एक मैं यहाँ पर पनीर ऐड करूँगी और साथ ही इसमें डालेंगे कुछ धनिया एंड पुदीना। मेरे पास पुदीना ड्राई है, आपके पास फ्रेश पुदीना अवेलेबल है तो आप फ्रेश डाल दें, उसमें और अच्छा ज़्यादा फ्लेवर आता है। इसको एक बार मिक्स कर देंगे। देन मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ बिरयानी मसाला। तो करीब 1.5 टेबल स्पून बिरयानी मसाला का मैंने यहाँ पर यूज़ किया है और इसको और एक बार मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स हो जाने के बाद हम यहाँ पर डाल देंगे अपना राइस। तो मैंने 3 कप्स राइस का यहाँ पर यूज़ किया है और इसको ये बासमती राइस है, इसको मैंने 30 मिनट्स के लिए सोक करके रखा था, उसके बाद इस तरह से स्ट्रेन कर लिया था। इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ 1 कप दही। एंड दही मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ, आप चाहें तो वेजीज के साथ भी दही को ऐड करके इसको भी थोड़ी देर आप कुक कर सकते हैं। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। करीब 2 मिनट के लिए मैंने यहाँ पर इसको भून लिया था सारे वेजीज को और राइस के दही के साथ। उसके बाद मैं यहाँ पर ऐड कर दिया पानी। तो मैंने जैसे 3 कप राइस लिया है तो उसका 1.5 गुना मैंने यहाँ पर पानी का यूज़ किया है। और साथ ही मैंने स्वाद अनुसार थोड़ा सा और सॉल्ट ऐड किया है। फिर ऊपर से मैंने 1 टीस्पून घी डाला
और इसको मैंने मीडियम फ्लेम में एक विसल लगाया। देन जैसे ही इसका प्रेशर ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाने देंगे, उसके बाद हम इनको ओपन करेंगे। तब तक हम बना लेते हैं अपना रायता। तो ये है दही, मैंने डाला थोड़ा सा नॉर्मल सॉल्ट, देन डाला थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट, और ये है भूना जीरा का पाउडर, और ये है पुदीना, पुदीना ड्राई पुदीना है जिसको मैं क्रश करके डाल रही हूँ यहाँ पर। आप चाहें तो थोड़ा शुगर का भी यूज़ कर सकते हैं। सारे चीज़ों को अच्छी तरह से फेंट लेंगे एक बार। देन मैं यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, इसको पानी डाल के थोड़ा सा डाइल्यूट कर लेंगे, बिकॉज़ बिरयानी के साथ इसी तरह का रायता खाया जाता है। और ये देखिए प्रेशर रिलीज हो गया है बिल्कुल। तो हम चेक कर लेंगे अपना राइस को, और ये देखिए हमारा राइस बिल्कुल खिली खिली बनी है, और इसका जो स्मेल है ना, जो फ्लेवर है, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत टेस्टी बना है, बहुत ही अच्छा सा इसमें से स्मेल आ रहा है। तो आप अपने घर पे ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए, और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।